कोरोना काल में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। प्रशासन इस पर कड़ी नजर रखता है। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दूसरे राज्यों में भी मास्क को लेकर फिर से सख्ती बरती जा रही है। शायद इसी का फायदा उठाकर सोशल मीडिया के जरिए कुछ शरारती तत्व यूपी में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी चाल यूपी पुलिस ने नाकाम कर दी। सोशल मीडिया पर गुरुवार को अचानक उत्तर प्रदेश पुलिस के मास्क चेकिंग अभियान का मैसेज तेजी से वायरल हुआ। गुरुवार को यूपी पुलिस के नाम से एक मैसेज वायरल हुआ। इसमें सुबह 9 बजे से यूपी के सभी थाना क्षेत्रों में 30 दिनों तक मास्क चेकिंग अभियान चलाने की बात लिखी गई थी। इसमें लिखा गया था कि सभी शहर और ग्रामवासी मास्क का इस्तेमाल करें और चालान की कार्रवाई से बचें। खास बात ये थी कि 10 घंटे के अस्थायी कारावास यानी जेल का भी जिक्र था। वायरल पोस्ट में निवेदक के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ था। ये मैसेज देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यूपी पुलिस ने इस खबर को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्वीट को फर्जी बताते हुए कहा कि ऐसा कोई अभियान यूपी पुलिस ने नहीं चलाया। जाहिर है ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहना जरूरी है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वायरल मैसेज पर सफाई दी। यूपी पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग का 30 दिन का ऐसा कोई भी अभियान नहीं चलाया जा रहा है और न ही ऐसी कोई सूचना प्रसारित की गई है। अतः ऐसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। जो भी इस प्रकार की भ्रामकता फैलाएगा उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।